वो पिछले जितने भी साल यूपीए की सरकार रही थी वो उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने रुपयों का, सोने का, इन तमाम चीज़ों के आंकड़े पेश। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए एक महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग एक साल से जांच कर रही है ना, और अरुण साहू ने ये भी पूछा है, हमारे दो अधिकारी हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा है, और ईडी पूरी जांच कर रही, मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है उसके तहत जांच किए, क्या पाया। और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो, क्यों देंगे, कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता, दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है उसके आधार पर हमने जांच तो जांच की शुरुआत कर दी, लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।